सोलन का धोबी घाट, जहाँ प्रवासी मजदूर बेहद ज्यादा संख्या में रहते हैं। प्रवासी मजदूर पिछले काफी दिनों से ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जिला प्रशासन द्वारा राशन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। मीडिया वास्तविकता को पता लगाने जब मौके पर पहुंची तो पाया कि कुछ दिन पहले ही वहां जिला प्रशासन ने राशन उपलब्ध करवाया था, जो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जहां राशन की कमी हो। अलबत्ता एक स्थान में तो नॉन वेज जरूर बनता दिखा, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यहां राशन की कोई कमी नहीं है। स्थानीय पार्षद मुकेश वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे लगातार लोगों के संपर्क में हैं और जहां राशन की कमी है वहां जिला प्रशासन के सहयोग से उन्हें पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी यहां ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पास राशन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है। साथ ही उन्होंने मीडिया के साथ प्रवासी मजदूरों के घरों का मुआयना किया है, जिससे सभी के पास राशन स्पष्ट मात्रा में नजर आया। मैं पहले इन लोगों के बीच में आता रहता हूं और इनकी जितनी भी समस्याएं जो होती है राशन के संबंधित, वो मुझे पता लगती है समय समय पर। इनको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इनको एक आधिकारिक नंबर दिया गया है 2200088, जिस पर ये संपर्क साधकर जो है राशन की अपनी डिमांड को बता सकते हैं। और सरकारी प्रशासन जो है इनका पूरा कोशिश रहती है इनके घर द्वार तक राशन पहुँचाने की। सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर इनकी राशन द्वारा हेल्प करवाई गई है। और कोई व्यक्ति एक जो सारी तालाब को क्या बोलता हूँ, एक तालाब में मछली जो गंदी होती है सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो उस तरह का किसी एक आदमी व्यक्ति ने इनके बीच में किसी ने फोन के माध्यम से अगर इस तरह का व्यवहार दिखाया है या बार बार फोन पर इस तरह की डिमांड रखी है, अभी मुझे राशन नहीं मिल रहा। लेकिन तकरीबन तकरीबन हर घर के अंदर राशन है, जिसके माध्यम आप भी खुद देख चुके हो। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा जो बार बार ही फोन करता है, मुझे भी बोलता है, आपको लोगों को बोलता है, उस डीसी को बोलता है, उस व्यक्ति की वजह से जो है सारे मजदूर एक जैसे नहीं हो सकते। कई लोग अपने कईयों ने अभी तक मुझे फोन नहीं कराया, अभी मुझे राशन नहीं मिला है। कईयों की फैमिली है जिन्होंने मुझे अभी तक नहीं बोला है अभी मुझे राशन चाहिए। लेकिन समय समय पर इस तरह के जो जो इस तरह के लोग हैं और इस तरह का बात अगर करेंगे तो ये निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को अकल आनी चाहिए इस प्रकार की पार्टियां करते हुए। और अगर राशन के इस जुझारूपन में अगर इनको ये लगता है भी इस तरह की पार्टियां करनी है, अगर पर्सनल रूप में करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर दबाव ना बनाए भी हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास इस प्रकार की चीजें नहीं है। अगर एक तरह से अगर हम इस चीज को देखेंगे भी हम सब पार्टियां भी करें, सब कुछ करें, ड्रिंक भी करें, मुर्गे भी खाएं और उसके बाद हम ये दिखाने की कोशिश करें भी हम नीडी हैं, तो ये एक्चुअल में उन लोगों के पेट में लात पड़ेगी जो एक्चुअल में नीडी हैं।